इसके बाद बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। तो एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको कि सेंटेंस में बनाया हुआ है, तो इस सेंटेंस को हमें रीअरेंज करना है, ठीक है। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन देयर करेक्ट ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा डिटेल में पढ़ूंगी, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो हो जाएगा क्यू पी एस और आर। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें हमें फिल करना है कि इसमें क्या आएगा। एनी एक्सरसाइज विच इन्वॉल्व यू सपोर्टिंग द वेट ऑफ योर ओन बॉडी डैश रिकमेंडेड टू बिल्ड बोन मास। तो इसमें आ जाएगा इज। नेक्स्ट है, इसे भी सेम रीअरेंज करना है, ठीक है, देख लीजिएगा आप इसे। तो सी बी डी ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें एक आइडम दी हुई है, फ्रेज दी हुई है, तो इसे हमें इसका मीनिंग बताना है। डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि काम करते करते मरना। जैसे कि हम कोई जॉब करते हैं तो जॉब से रिटायर होने से पहले ऑन ड्यूटी डेथ होना, तो वो होता है डाई इन हार्नेस। तो इसका जो राइट है वो हो जाएगा टू डाई विल वर्किंग और बिफोर रिटायरमेंट, ठीक है। तो काम मरना तब जब हम कुछ काम कर जब हम काम करते हैं या फिर रिटायरमेंट से पहले। नेक्स्ट है, इसमें हमें सिनोनिम बताना है। तो एक वर्ड दिया हुआ है टैसिटर्निटी, इसका अर्थ होता है मौन या चुप्पी, साइलेंस जो होता है, ठीक है। तो इसका हमें सिनोनिम पूछा है, तो सिनोनिम होता है कि रिजर्वनेस, यानी किसी बात को रिजर्व रखना। तो उस हिसाब से ये जो है ये इसका समानार्थी हो जाएगा। अगर हम बाकी की बात करें तो चेंजेबलनेस यानी कि परिवर्तनशीलता, उसके बाद हेजिटेशन किसी भी काम में हेजिटेट करना या हिचकिचाना, ठीक है। और एक होता है प्रिज्व यानी कि किसी चीज़ को जो है वो स्टोर करना। उसके बाद नेक्स्ट है एंटोनिम बताना है इसका, यानी विलोम शब्द बताना है। ऑरफेंड, ऑरफेंड का अर्थ होता है अनाथ, ठीक है। तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, पेरेंटेड यानी जिसके माता पिता होते हैं। और स्ट्रिप तो आपको पता ही होगा, स्ट्रिप कोई भी पट्टी वगैरह, रोब यानी कि लूटना, और जो डिप्राइव होता है वो होता है वंचित रखना किसी भी चीज़ से। नेक्स्ट, तो इसमें हमें बताना है नंबर 7 में सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ट वर्ड। तो इसमें हमें रोंगली स्पेल्ट बताना है कि कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो रिलीजियस जो है वो गलत लिखा हुआ है, इसकी सही स्पेलिंग होगी आर ई एल आई जी आई ओ यू एस, ठीक है। तो इसमें आई नहीं लगा हुआ है जी के बाद में, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। अच्छा, इसमें एक वो जो वन वर्ड होते हैं, वन वर्ड इसमें हमें बताना है कि मर्डर ऑफ किंग। तो मर्डर ऑफ किंग का हमें बताना है कि इनमें से वन वर्ड क्या होगा। तो इनमें जो है रेजिसाइड, रेजिसाइड इसका राइट आंसर होगा सी आई डी ई, ठीक है। साइड का जो अर्थ है वो होता है मारना या मर्डर करना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके आगे चाहे किंग आ जाए, क्वीन आ जाए, या और भी कई जो होते हैं, इनमें जो आगे का मीनिंग है, आगे का जो शब्द है वो बदलता रहता है। सी आई डी का मतलब मर्डर होता है वन वर्ड में, जब भी पूछेगा। इंग्लिश में बहुत से वर्ड हैं, तो उनमें सब में आप ध्यान रखिएगा। इसमें किंग की जगह क्वीन आएगा तो भी आप यही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स है, He saw his face and tried to determine how he felt, but his face was dash of emotions. इसमें हमें बताना है कि क्या आएगा। तो इसमें आ जाएगा divide. Divide का मतलब होता है कि without something, ठीक है, कि मतलब रहित या फिर के बिना किसी के बिना। तो इसकी और ऑप्शन है omitted. Omitted का मतलब होता है छोड़े गए, vacant का मतलब होता है खाली, और जो
बैरन है उसका मतलब होता है बंजर, जो बंजर भूमि होती है उसे बोलते हैं बैरन। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 10, इसे मी ये एक फ्रेज दी हुई है, गेट आउट ऑफ हैंड, मतलब कि इसका बताना है हमें, तो गेट अपसेट, गिव अप समथिंग, गेट अप, गेट आउट ऑफ कंट्रोल टू कंप्लीट ए टास्क, तो इसका हो जाएगा गेट आउट ऑफ कंट्रोल, गेट आउट ऑफ हैंड, या फिर हाथ से निकलना, टू बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट है ओके, इसमें एक सेंटेंस दिया हुआ है कि अबाउट 2.17 मिलियन पीपल वर डिस्प्लेड इन द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर अगेन ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट। इसमें ये जो अंडरलाइन दिया हुआ है द फर्स्ट 6 मंथ्स, तो इसका हमें बताना है कि इसमें जो दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, इसमें से कोई और सेंटेंस यहाँ पर आएगा या ये सही है, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, इसलिए हम ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट है हमारा, एक सेंटेंस हमें दिया हुआ है, तो इनमें से सॉरी 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें हमें बताना है कि ग्रामेटिकली कौन सा सही है। तो ये जो हमारा फर्स्ट है यही सही होगा इसमें, ए कॉम्पोसाइट ट्रेनिंग सेंटर एंड ए कोस्टल सर्वेलेंस रडार सिस्टम वॉज ऑल्सो ज्वाइंटली इनोग्रेटेड, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें हमें बताना है कि ग्रामेटली कहाँ एरर है, इसमें हमें एरर बताना है। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट 40% ऑफ पीपल अंडर 30 इज ए अंडर नरिश्ड, ये हमें बताना है कि कहाँ पर इसमें एरर है। तो इसमें ये जो अंडर नरिश्ड है इसमें एरर है, क्योंकि यहाँ पर आर आएगा, ठीक है ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इच की जगह आर यूज़ होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें से 4 एफिडेविट के एफिडेविट लिखा हुआ है, तो इनमें से बताना है हमें कौन सा एफिडेविट सही है, तो जो 4th नंबर का है वो एफिडेविट सही है। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र, काइंड ऑफ शपथ पत्र जो होता है। नेक्स्ट है ये भी एक पूरा पैराग्राफ टाइप का दिया हुआ है, कि इसमें हमें बताना है कि जो जो अंडरलाइन है वो सही है या उनकी जगह पर कुछ और वर्ड जो कि हमें आंसर में दिए हुए हैं वो यूज़ होंगे। द पुलिस डिप्लॉयमेंट वॉज ऑल अराउंड द मोजपुर एंड जफराबाद स्ट्रेच, बट द कॉप्स नियर द चौक हु हर्ड द इंसाइटफुल सॉन्ग एलिजेडली डिड नॉट मेक सम अटेम्प्ट टू स्टॉप देम, तो इसमें राउंड है वो हो जाएगा अराउंड, नियर का नियर सही है, और सम की जगह हमारे सम सम जो है इसकी जगह आ जाएगा एनी। ये यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है आप पढ़ लीजिएगा। ये पैराग्राफ से ही रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो है, तो ये आपको पैराग्राफ पढ़ेंगे इजीली मिल जाएंगे इनमें से। ओके एक ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेसेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड डिसगाइज, तो इसका जो है राइट हो जाएगा प्रेसिप्टेबल, इसका अर्थ होता है दिखाई देने वाला। नेक्स्ट है ये भी पैसेज के अंदर से ही है,
ये भी आपका पैसेज का ही क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन। इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट होता है, इसके बाद है जनरल हिंदी। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुहावरा है शेर का कान कतरना, इसका क्या अर्थ है? तो ये है बहुत बहादुरी का काम करना, शेर के पास जाना ही कितना बहादुरी का काम होता है, तो शेर का कान कतरना का अर्थ हो जाएगा बहादुरी का काम करना। नेक्स्ट है, वाच्य के प्रकार का चयन करना है इसमें से कि भारतवासियों के द्वारा महात्मा गांधी भुलाए नहीं जा सकते, इनमें से कौन सा वाच्य है? तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य और कृतवाच्य और भाववाच्य। तो इसमें से जहाँ द्वारा लगा हुआ होता है तो ये हो जाएगा कर्मवाच्य। नेक्स्ट है, निम्न में से तल्लीन का पर्यायवाची बताना है, तल्लीन का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है कौन सा होगा। तो तल्लीन यानी किसी चीज़ के अंदर पूरी तरह से मग्न हो जाना, तो तन्मय इसका पर्यायवाची हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो अशुद्ध इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा अपदमस्तक। नेक्स्ट है, कौन सा निश्चित संख्यावाचक विशेषण है? तो ये सबको पता होगा, बहुत से, इसमें कोई पर्टिकुलर संख्या नहीं दी हुई है, थोड़े से हमें नहीं पता थोड़े कितने हैं, कई कई का भी नहीं पता कि एक नंबर क्या है। तो ये बिल्कुल सही है कि 20, इसमें एक बताया हुआ है कि हाँ इसमें 20 हैं, तो ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त होता है? तो प्रत्यय जो पीछे की तरफ लगते हैं, तो इला, इला जो है वो प्रत्यय के रूप में प्रयोग होता है, अप, प्रति और अनु ये सब उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, तो पाठशाला, कोई भी जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का हम देखना होता है तो मेरा या मेरी लगा कर देख लीजिए, तो मेरी, पाठशाला, प्रजाति, फौज, ठीक है, तो कबीला जो है वो पुल्लिंग हो जाएगा। इनमें विराम चिन्ह का सही प्रयोग किस शब्द किस वाक्य में किया गया है? तो ये थर्ड जो है वह कब तक आएगा, कहाँ नहीं जा सकता, तो इसमें जो विराम चिन्ह है उसका बिल्कुल सही प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो ये तो हम बोलते भी हैं कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा सेकंड नंबर। विदेशज शब्द का चयन कीजिए, तो विदेशज स्कूल जो है विदेशी शब्द, बोलने से ही पता चलता है कि स्कूल विदेशी शब्द है, बाकी झाड़ू, पगड़ी, ठेठ ये सब हमारे देशी शब्द हैं। एक लोकोक्ति दी गई है, अतिशय भक्ति चोर के लक्षण, यानी कि जो ढोंगी व्यक्ति होता है वो चापलूसी जरूर करता है या चापलूस होता है। नेक्स्ट है, कौन सा वाक्य जो है वो सरल वाक्य है इनमें से? तो ये जो सिंपल दिया हुआ है कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये जो है सरल वाक्य है। बाकी इनमें देखिए, जो है सो जाएगा, जब वह स्टेशन पहुंचा तब तब ट्रेन जा चुकी थी, पिताजी गए थे लेकिन ट्रेन रुकी नहीं, तो ये ही जो है फोर्थ नंबर का ये सरल वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अयादि स्वर संधि का उदाहरण है? तो जो अयादि स्वर संधि का उदाहरण है वो हो जाएगा शावक। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है, बाद में जोड़ा या बढ़ाया हुआ अंश, तो वो हो जाएगा अनुपूरक। पर्णकुटी का विलोम, पर्णकुटी का मतलब होता है झोपड़ी, ठीक है, और प्रसाद का मतलब होता है महल। तो एक वो दिया हुआ है पैराग्राफ, देख लीजिएगा आप इसको। ये सब आपके जो पैराग्राफ है उसी के क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि दृष्टा का सही अर्थ कौन सा है? तो दृष्टा मतलब होता है कि जो देखने वाला, जो उस टाइम पे मौजूद होता है, जो साक्षी होता है उस काम का, तो उसे बोलते हैं दृष्टा। तो ये था हमारा फर्स्ट जो पार्ट है, उसके पांचों पार्ट कंप्लीट होते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या मान आएगा। यहाँ पे हमें ये संख्या दी हुई है, हम इसके जो कट और है उसको कट करेंगे। हमें इसका मान पूछा है, हम इसको मानेंगे कि यह हमारा x है, तो यहाँ से आ जाएगा कि x बटे 42 और बराबर में 24। हमें x का मान पूछा है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा हमारा 1008, ऑप्शन नंबर थर्ड। दूसरा प्रश्न है कि 145 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से चाय की मात्रा को 18% के लाभ पर बेचा जाता है, और जिसमें हमें कुल लाभ दिया हुआ है कि 1566 रुपये। तो इसमें चाय की मात्रा पूछी है, ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। तो यहाँ पे जो 100 रुपये के लिए हमारा 145 दिया हुआ है, हम 18% के लिए निकालेंगे तो 100 ये आ जाएगा हमारा 171.1। अब हमें प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट के लिए हम की एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे, जो आ जाएगा 26.1। और जो हमारा लाभ आया है, हम उस लाभ को, ये हमें कुल लाभ जो 1566 रुपये दिए हैं इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60 किलोग्राम। ये हमारी है चाय की मात्रा। तीसरा प्रश्न है कि एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है और 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, शेष इसमें 14 विद्यार्थियों की औसत आयु पूछी है। तो 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 है, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 560। और 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, हम इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 294। 560 में से 294 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 264। ये हमारा है शेष, और इस शेष 14 की पूछी है, हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 19 वर्ष। तो 14 विद्यार्थियों की औसत आयु है 19 वर्ष। दिया है कि चार्ट किसी एक दिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के विभिन्न प्लेटफॉर्मों से गुजरने वाले पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन की संख्या को दिखाता है। यहाँ हमें प्लेटफॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड से गुजरने वाले ट्रेनों की औसत संख्या ज्ञात करनी है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड के हम नंबर देखेंगे, तो हमारा नंबर होगा फर्स्ट के लिए होगा 62, सेकंड के लिए होगा 55 और थर्ड के लिए होगा हमारा 48। तो हमें तीन के लिए पूछा है, हम इन तीनों को ऐड करके और इन तीन नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 36। ये हमारा है ऑप्शन नंबर फोर्थ। फिफ्थ क्वेश्चन है कि 200 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 36 किलोमीटर घंटे से चल रही है, जो एक ब्रिज को 55 सेकंड में पार करती है, इसमें ब्रिज की लंबाई पूछी है। यहाँ के जो दो ब्रिज की एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, डी बराबर में एस इंटू टी, यानी दूरी बराबर में चाल इंटू समय। हम इससे करेंगे इसको, तो यहाँ हमें जो 200 दिया हुआ है, जो हमारा 200 है वो हमारी ट्रेन की लंबाई है, और हम प्लेटफॉर्म की लंबाई को मानेंगे x, तो हम इसको करेंगे 200 प्लस x बराबर, और 36 हमें किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो इसको हम 5/18 से गुना करेंगे, तो 36 5/18 और गुना में 55 सेकंड करेंगे, इससे हमें x का मान आ जाएगा, तो हमारा x का मान आएगा यहाँ पे 350 सोल्व करने पे, जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। दो व्यंजक दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 और एक्स स्क्वायर माइनस x-12 का महत्तम समापवर्तक क्या है, ये हमसे पूछा है। हम इसको सोल्व करेंगे तो इसमें कॉमन आ जाएगा एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस वन। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कि एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 4, ये इनके कॉमन है, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है हमारा एक्स प्लस 3, ये ही हमारा एच एफ होगा।
सेवन्थ है, वर्तमान समय में रोली और नीलम की आयु का अंतर है वो 4 वर्ष है और 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का संबंधित अनुपात 6:7 होगा। वर्तमान में रोली और नीलम की आयु का योग कितना है? मानेंगे कि इसकी आयु एक्स है रोली की और नीलम की मतलब उससे 4 वर्ष का अंतर है तो इसको एक्स प्लस 4 मान लेंगे। 8 वर्ष बाद के लिए बोला है तो हम इनको भी इसमें ऐड करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 8 और इसमें अनुपात 6:7 दिया हुआ है तो हम इसको सोल्व करेंगे। हमारा एक्स का मान आ जाएगा यहाँ से 16 वर्ष और नीलम की आयु उससे 4 अधिक है तो वो आ जाएगी हमारी 20, तो इन दोनों का ऐड हो जाएगा 36 और इनका ही हमसे पूछा है। एक प्रिज्म का आयतन दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई दी हुई है और प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल पूछा है। वैसे प्रिज्म का आयतन होता है कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई यानी कि बी इंटू एच। तो यहाँ पे हमें 288 आयतन तो हमें दिया हुआ है तो हम इसको करेंगे 288 बराबर बी इंटू यानी 24। तो इस बी का निकालना है, ये इससे डिवाइड हो जाएगा जिससे हमारा प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे स्थिर जल में एक पुरुष की गति 16 किलोमीटर घंटा है जबकि धारा की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह धारा के विपरीत दिशा के निश्चित दूरी तय करता है और वापस आ जाता है जिसके लिए उसे कुल यात्रा में 90 मिनट लगते हैं और उसके द्वारा तय की गई एक तरफ की दूरी हमसे पूछ। यहाँ हमें स्थिर जल में गति और धारा की गति दोनों दी हुई हैं तो हम इसको उसी फॉर्मूले से करेंगे डी बराबर एस इंटू टी। तो यहाँ टी को करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डी अपॉन एस और एस की वैल्यू निकाल लेंगे। धारा की गति की दिशा में जो हमारी गति होगी वो हमारी होगी एक्स प्लस वाई और जो धारा की गति की विपरीत दिशा में होगी वो हमारी होगी एक्स माइनस वाई। तो इसको हम डी से अपॉन में करेंगे तो और इक्वल्स में करेंगे जो हमारी 90 मिनट आई है वो, तो ये डी अपॉन एस से होगा और इक्वल्स में 90 मिनट होगी जिससे हमारी तय की गई दूरी आ जाएगी जो हमारी आएगी 5.25 किलोमीटर। इसमें कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 520 रुपये और 7 वर्षों में 586 रुपये हो जाएगी। यहाँ पे 5 वर्षों के लिए तो 520 दी हुई है और 7 वर्षों के लिए 586 रुपये दिए हुए हैं। तो हमारा एक ट्रिक होती है जिसमें जो हमारी मिश्र धन दी हुई है उनका आपस में वज्र गुना और जो हमारा टाइम दिया हुआ है उनके अंतर को हम बटे अपॉन में करते हैं तो ये अंतर होता है उनका और ये उनका वज्र गुना होता है। ये हमारा ट्रिक ही होता है, इससे हम इसको सॉल्व करेंगे तो जिससे ये होगा ये सोल्व होके आएगा 800/2 तो इसको सोल्व करने पे हमारे 400 रुपये आ जाएंगे जो होगा ऑप्शन थर्ड। निम्नलिखित तालिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 अलग अलग कॉलेज में विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों का प्रतिशत वितरण ये हमें दिया हुआ है तो किस कॉलेज में विज्ञान विषय में सबसे कम संख्या में विद्यार्थी हैं? यहाँ हम देखेंगे कि कॉलेज ए में साइंस के स्टूडेंट हैं 40 और कुल संख्या है 17,500 तो हम इसका प्रतिशत से करेंगे तो ये हो जाएगा 40/100 × 17,500 तो इसको सॉल्व करने पे हमारे आ जाएंगे 7,000 स्टूडेंट। ठीक है, अब हम बी से करेंगे, सी से हम ऐसे ही इसको कंटिन्यू करेंगे और लास्ट डी का देखते हैं तो डी को सॉल्व करने पे आ जाएंगे 24/100 और ये है 23,000 तो इसको करेंगे हम 23,000 को ये इससे कट होगा तो ये हमारे आ जाएंगे 5,520। तो यहाँ पे सबसे कम जो है वो हमारा डी का आ रहा है तो हमारे डी के साइंस के स्टूडेंट जो हैं वो सबसे कम है ऑप्शन फर्स्ट। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल 240 अंक प्राप्त करना आवश्यक है और एक छात्र को 192 अंक मिलते हैं, उसे 12% अंकों से फेल
घोषित किया जाता है और एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक मिल सकते हैं? यहाँ पे उत्तीर्ण होने के लिए जो आवश्यक अंक हैं वो है 240 और उसको मिले हैं 192, तो ये फेल हुए अंक हो गए उसके, तो हम इसको करेंगे 192 प्लस 12% बराबर 240, तो यहाँ 1% के लिए आ जाएगा 4%। तो इसमें पूछा है इसका जो अधिकतम कुल कितने अंक मिले, तो इसमें हमें 100 के लिए निकालना है, तो 100 के लिए करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 400, ऑप्शन डी। दिए गए व्यंजक में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो 240 का 12.5% प्लस 27 का 200% इंटू 12, ये हमसे पूछा है। हम मानेंगे कि यहाँ पे जो ये इंटू में जो ये है ये हमारा है एक्स, तो एक्स इंटू 12 ये हमें दिया हुआ है, का मतलब होता है इंटू, इसको इंटू करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा 30 + 54 इक्वल में एक्स इंटू 12, तो यहाँ से हमारा एक्स आ जाएगा एक्स बराबर इक्वल में 7। 14 है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी जो भिन्न है हमें वो बतानी है। यहाँ पे हम सबसे छोटी भिन्न के लिए इनको आपस में डिवाइड करेंगे, तो हमारा फर्स्ट का आएगा 0.30, सेकंड का आएगा 0.34 और थर्ड का आएगा 0.4 और फोर्थ का आएगा डिवाइड करने पे 0.7, तो जिससे हमारी सबसे छोटी वाली भिन्न होगी वो है फर्स्ट वाली, इसको हमें आपस में डिवाइड करके देखना है। फिर है दो मिश्रणों ए और बी में क्रमशः 6:5 और 3:1 के दूध का और पानी का जो है अनुपात है। यदि दोनों मिश्रण में दूध की कुल मात्रा 72 लीटर है और दोनों मिश्रणों में पानी की कुल मात्रा 36 लीटर है, तो मिश्रण ए की मात्रा पूछी है हमसे। यहाँ पे ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, तो हम इसको मानेंगे कि ये हमारा है 6xA का प्लस 6x और ये हमारा है 5x और इक्वल्स में ये है 72 और ये है 3x प्लस x इक्वल में 36। इससे हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा कि इसमें हम मिल्क वाली क्वांटिटी को अलग रखेंगे और वाटर वाली क्वांटिटी को अलग रखेंगे, तो जिससे ये हमारी एक दो समीकरण बन जाएंगी जो बनेंगी ए और बी के लिए। उसमें ये होगा मिल्क के लिए होगा 6x प्लस 3y बराबर में 72 लीटर, ये हमारा होगा ए, और जिस ये हमारा होगा एक समीकरण, और दूसरा वाला होगा जो होगा 5x प्लस y बराबर में 36 लीटर। हम इनको आपस में गुना करके माइनस कर देंगे, तो जिससे हमारा x का मान आ जाएगा, तो हमारा x का मान आएगा यहाँ पे 4। अब इसने पूछा है कि मिश्रण A की, तो मिश्रण है हमारा ये A, तो हम इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11x, क्योंकि इसको पूरे को x है ये y है, तो इसको करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 44, ये है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। एक नारियल का पेड़ जो है वो 3 वर्ष पहले लगाया गया था और इसकी ऊंचाई प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष की 10% की दर से बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में पेड़ की जो ऊंचाई है वो 958.32 सेंटीमीटर है, तो जब पेड़ लगाया तो इसकी ऊंचाई कितनी थी? ये 3 वर्ष पहले लगाया गया था और हर वर्ष 10% के अकॉर्डिंग ये बढ़ता है, तो 10% के अकॉर्डिंग ये बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 110/100। हम इसको 3 बार करेंगे और इक्वल में करेंगे जो हमारी ये पेड़ की ऊंचाई दी हुई है 958/100 कर देंगे और हमें इसको मानेंगे x, तो इससे हम सॉल्व करने पे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी और जो हमारी आएगी 720 सेंटीमीटर
17 है कि 17 पुरुष एक काम को पूरा करने में 30 दिन का समय लगाते हैं और एक साथ काम शुरू करते हैं, और 20 दिन बाद जब उन्हें महसूस किया कि केवल 50% काम ही पूरा हुआ है तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों को काम पर रखने की आवश्यकता है। यहाँ पे 15 पुरुष जो हैं वो एक काम को 20 दिन में किया है उन्होंने, वो भी किया है कितना, आधा। तो इसको करेंगे कि 15 गुना, इसको दो भागों में डिवाइड करके करेंगे तो 15 गुना 20, और इसने आधा काम किया है तो ये आधा। फिर यहाँ दूसरे वाले ग्रुप में हमें ये नहीं पता कि कितने पुरुष हैं, तो यहाँ हम पुरुषों को मान लेंगे एक्स, और फिर उससे कितने 10 दिन को उस काम में करना है और बचे हुए आधे को, तो जिससे हमारा एक्स का मान आ जाएगा और एक्स हमारा आएगा 30। तो अतिरिक्त जो मेंबर आए हैं वो कितने, टोटल 30 हैं और अतिरिक्त जो कितने हैं वो हैं हमारे 15। एक समचतुर्भुज के विकर्णों के बीच का जो अंतर है वो 7 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 184 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसमें विकर्ण का संबंधित अनुपात कितना है ये हमसे पूछा है। यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो 184 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और एरिया के फॉर्मूला होता है कि 1/2 जो विकर्ण फर्स्ट है वो और जो सेकंड वाली है वो, और बराबर में ये हमें कितना दिया हुआ है 184। इसको हम सोल्व कर लेंगे आपस में, तो हमारे सोल्व करने पे जो इनका अनुपात है वो हमारे पास आ जाएगा 23:16। ये है ऑप्शन नंबर सेकंड में निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। 5 अलग अलग कॉलेज में विभिन्न विद्यार्थियों का प्रतिशत वितरण दिया हुआ है और सभी कॉलेज में एक साथ कॉमर्स विषय के जो स्टूडेंट हैं उनकी हमें औसत संख्या कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। तो इससे को करने पे इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे ही, तो बी के लिए आ जाएगा हमारा 11,250, फिर इसके लिए आएगा 10,490, फिर इसके लिए आ जाएगा 11,040, और फिर लास्ट के लिए आएगा 9,720। तो इसको करने के बाद इसने इन सभी का पूछा, हम इन सभी को ऐड कर देंगे आपस में, और इनको ऐड करने पे कॉलेज हैं 5, तो उन 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 9,745। ये हमारा आंसर होगा जो ये कॉमर्स के विषय के विद्यार्थियों की संख्या का औसत बताता है। सबसे छोटी घन पूर्ण घन ज्ञात करें जो 12, 15, 18 से विभाजित हो। यहाँ हम 12, 15 और 18 को मतलब ऐसी संख्या से हम मल्टीप्लाई कर मतलब ऐसी संख्या से हम इनको डिवाइड करेंगे जो सबसे छोटी से छोटी हो, तो जिसको करने पे हमें मैक्सिमम नंबर प्राप्त हो रहे हैं 180, और जो 180 है वो हमारा होगा जो हमने सबसे छोटी संख्या से इसको मल्टीप्लाई किया है उसका आंसर। तो यहाँ पे जो 2700 है वो 180 का मल्टीपल है, और 12, 15 और 18 का डिवाइड भी है, तो जिससे ऑप्शन होगा 4।